गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक फेस जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, मुझे फेस जेल लगाना पसंद है। ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, ऐसे में जेल्स बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो मैं क्रीम्स की जगह जेल्स ज़्यादा पसंद करती हूँ अपनी स्किन पर लगाना। आज के वीडियो में ये हिमालया नेचुरल ग्लो केसर फेस जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसका एलोवेरा जेल आता है, उसका रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एक ये केसर जेल आता है, एक ऑरेंज जेल आता है, एक रोज़ आता है, एक एलोवेरा जेल आता है। तो आज मैं ये केसर जेल के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, यही साइज़ है और जेल है, तो कंसिस्टेंसी इसकी जेल ही होगी। फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारा है, मतलब चंदन के जैसा फ्रेग्रेंस है। केसर जेल है पर चंदन के जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। कलर आप देख सकते हो, यूज़ किया गया है। 100 ml का पैक है। प्राइस की बात करूँ 85 rupees का है, कहीं भी मिल जाएगा। ये मैंने ऑफलाइन लिए हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ये भाई इधर से खुलता है, इसको ओपन करो तो लिस्ट मिलेगी। और जो एलोवेरा जेल था उसमें भी मुझे लिस्ट दिखाई नहीं दी थी, पर गूगल में उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल गई थी। इसकी लिस्ट मुझे नहीं मिली गूगल पर भी कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। आप लोगों में से किसी को पता चले तो मुझे कमेंट करके बताना। तो इसका पूरा इधर का इधर हो गया, उधर का उधर हो गया, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पता नहीं इसमें क्या क्या मिक्स है, और ये इनकी शायद स्ट्रेटजी हो, शायद अपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बताना नहीं चाहते हों इसलिए इन्होंने ऐसे किया। पता नहीं क्यों किया, बाहर भी मेंशन कर सकते थे, पर चलो। जो मुझे दिख रहा है उसमें एक तो कैस्टर ऑयल है, फ्रेग्रेंस है, जो ना कौन सा एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं पर प्रॉपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या है, क्या काम करता है, क्या कैसा है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मुझे ये इनका जो एलोवेरा जेल आता है उससे भी अच्छा लगा, ये ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। स्पेशली अभी स्किन ड्राई हो रखी है, मतलब मेरी ऑयली स्किन भी मुझे बहुत ड्राई लगती है, ऐसे में ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट करे। एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने है तब यूज़ मत करो, नहीं तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑयली स्किन पे काफ़ी अच्छा है, ड्राई स्किन पे हो सकता है अगर आप अभी ठंड के दिनों में इसको लगाओ तो आप एसेंशियल ऑयल मिक्स करके लगा सकते हो, तब ये ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट करेगा। और वैसे इसमें केसर है तो केसर बहुत अच्छा होता है स्किन को निखारने में, दाग धब्बे दूर करने में। पर 8-10 दिन से मैं इसको लगा रही हूँ तो 8-10 दिन में तो ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया, दाग धब्बे दूर हुए या कुछ ऐसा हुआ तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बट बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहते हो अगर आप भी जेल फॉर्म में तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। और शायद ये पैराबन तो फ्री है, इसमें मैंने कहीं देखा था ये पैराबन फ्री है, बाकी इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पता नहीं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे, पर ये मेरी स्किन पे मुझे सूट किया, मुझे इसको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही ऐसा हुआ कि इसको लगाने के बाद मुझे कुछ दाने वगैरह हो गए हों, ये कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल अगर आप एक ही चीज़ लगा लगा के बोर हो गए हो, कोई जेल लगा लगा के बोर हो गए हो कि कब तक एलोवेरा जेल लगाऊं, कुछ नया ट्राई करते हैं, तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे काफ़ी सिमिलर लगा, पतंजलि का जो जेल आता है ना केसर जेल, उसके ही जैसा है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है, बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। बस ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इसकी कुछ पता ही नहीं चले, हम जो चीज़ लगा रहे हों उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो यही बस प्रॉब्लम है। बाकी जेल अच्छी है और एक बार आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत सस्ती भी है, 85 rupees की, तो बिल्कुल एक बार आप ट्राई करके देखो। और अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी, आपको इसको यूज़ करके अच्छा फील होगा, मतलब ये है। तो बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हो। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।